वही आपका इनवर्स फाइंड करना है आपको, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्सेस। तो मैट्रिक्स क्या था वो देख फॉर्मूला लिख लेते हैं। जब मैंने बताया था आपको इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, वन अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, हमें ए क्या गिवन है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 0 0 1 0 0, 0 cos alpha sin alpha, 0 cos alpha sin alpha, और आपका 0 sin alpha minus cos alpha, ये हमें गिवन है। तो हम निकालते हैं इनवर्स। सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालते हैं, रूल आपको पता, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस वन लेंगे, ये कॉलम हाइड करेंगे, ये रो हाइड करेंगे, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वन हो जाएगा। आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका माइनस 1, डिटरमिनेंट आ गया माइनस 1। डिटरमिनेंट आ गया, कोफैक्टर निकाल लेते हैं एडजॉइंट के लिए। डायरेक्ट निकालते हैं सी 1 1, एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर जो हम निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सी 1 1 सी 1 2 ऐसे हम लिखते हैं। एक काम करेंगे, सी 1 1 उसके नीचे ही सी 1 2 लिखेंगे, वो अपने आप ट्रांसपोज हो जाएगा। तो सी 1 1 हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा माइनस 1। सी 1 2 हमारा क्या आएगा, इस कॉलम को ऐड करेंगे, इस रो को ऐड करेंगे तो आएगा 0। ऐसे ही सी 1 3 हमारा क्या आएगा, सी 1 3 भी हमारा 0 आएगा। सी 2 1 इज इक्वल टू, अब सी 2 1 निकालते हैं, तो ये वाली रो हाइड करेंगे और ये कॉलम हाइड करेंगे, 0। सी 2 2 कॉलम हाइट, ये वाली कॉलम हाइट और ये वाली रो हाइट कॉस अल्फा। सी 2 3 क्या निकलेगा हमारा, ये वाली कॉलम हाइट करेंगे और ये वाली रो हाइट करेंगे, तो ये आएगा आपका साइन अल्फा। ऐसे ही सी 3 1 निकालते हैं। सी 3 1 के लिए ये वाली कॉलम हाइट करेंगे और ये वाली रो हाइट करेंगे, तो 0 ये आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। सी 3 2 ये वाली कॉलम हाइड करेंगे और ये वाली रो हाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा साइन अल्फा। वैसे ही सी 3 3 निकाल लेंगे, ये कॉलम हाइड और ये वाली रो हाइड, ये आएगा आपका कॉस अल्फा। तो गाइस ये आपके आ गए हैं कोफैक्टर्स। अब चलते हैं आगे, तो कोफैक्टर निकाल लिए हैं। अब फॉर्मूला में डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपका एडजॉइंट ही हो गया, क्योंकि जो एडजॉइंट होता है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो ये आपका एडजॉइंट आ गया, ये आपका डिटरमिनेंट आ गया, सीधा पुट करते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा वो निकालते हैं गाइस। तो ए इनवर्स जो आपका आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट है, तो ये माइनस हो गया, माइनस 1 हो गया। अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस। पहले यहां पे कोफैक्टर चेक करते हैं, ऑड इवन वाला रूल जो हम भूल गए अभी। 1 + 2 3 ऑड है तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सी 1 3 3 + 1 4 इवन है तो सेम रहेगा। 2 + 1 3 ऑड चेंज होगा लेकिन 0 है। 2 + 2 4 कॉस अल्फा ऐसे ही रहेगा क्योंकि इवन है, इवन में साइन चेंज नहीं होगा। 3 + 2 5 ये आपका हो जाएगा माइनस, ऐसे ही 3 + 2 5 ये भी माइनस और बाकी सेम रहेगा। बस अब करना क्या है, ये माइनस 1 आपका है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट है और एडजॉइंट में आपके आ गए हैं माइनस 1 0 0 0 cos alpha minus sin alpha, 0 minus sin alpha
एंड कॉस एन, तो आपके आ गए हैं अब माइनस अंदर ले लेंगे तो हमारे पास जो इनवर्स निकल के आएगा वो आएगा 1 0 0 0 माइनस कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा एंड माइनस कॉस एल्फा, तो हमारे पास ये आ गया ए इनवर्स। तो आप इसे नोट कर लेते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी सिर्फ कर देते, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। तो इनवर्स निकालने क्वेश्चन नहीं तक पे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें हमें क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक हमें मैट्रिक्स दिए हैं, उसमें ए जिसके एलिमेंट्स हैं 3 7 2 5, 3 7 2 5। ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है और बी मैट्रिक्स भी उसने हमें दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 6 8 7 9, 6 8 7 9। ए और बी मैट्रिक्स हमने हमें क्वेश्चन में दिया और उसने हमसे क्या पूछा है, वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। हमें शो करना है जो ए बी इनवर्स है वो इक्वल है किसके, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स जो ए बी पे पूरा इनवर्स है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ए बी की मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर उसका इनवर्स निकालना होगा एलएचएस के लिए। तो एलएचएस लेते हैं, एलएचएस में हमें सबसे पहले ए बी की मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर उसका इनवर्स निकालना होगा। तो ए बी की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 3 7 2 5 इंटू 6 8 7 9। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल और देखते हैं क्या होता है हमारा। 6 into 3 18 प्लस 49, ऐसे ही फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से 24 प्लस 62, देन 12 प्लस 35 एंड देन 16 प्लस 45। तो ये हमारा आ गया ए बी। अब इन्हें ऐड करके निकालते हैं, तो जब ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगी ये मैट्रिक्स। अब चलते हैं ए बी का इनवर्स निकालना है, तो पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा, उसके बाद आपको इसका इनवर्स निकालना होगा। तो देखते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 67 into 61 माइनस 87 into 47, तो गए जिसकी मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 4087 और इसकी मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 4089। तो आ गया आपका माइनस 2। तो डिटरमिनेंट जो आएगा आपका, अब इसका निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा गाइस, जिसका एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है आपका निकलेगा, आप जानते हैं मैंने आपसे एक शॉर्टकट मेथड बताया था, जो ए बी है इसका एडजॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो है ये वाला डायग्राम, इसके तो एलिमेंट्स आप आपस में इंटरचेंज कर दें और ये वाला जो सेकंड वाला डायग्राम है इनके केवल साइन चेंज कर दें, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो इस वाले डायग्राम के एलिमेंट्स चेंज करके ऊपर नीचे लिख देते हैं 61 और 67 और इनके साइन चेंज कर देते हैं -47 एंड -87। तो ये आपके आ गया एडजॉइंट ऑफ एबी। अब एडजॉइंट ऑफ एबी निकाल लिया तो आप एबी का इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो एबी का इनवर्स निकालते हैं गाइस, तो एबी का जो इनवर्स आएगा 1/a, 1/a जो आपका ये है 1/-2 एंड जो आपका एडजॉइंट आया सर वो आया आपका 61 -87 -47 एंड 67। तो ये आ गया आपका ए बी इनवर्स। ऐसे ही ए इनवर्स और बी इनवर्स निकलेगा और एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल आएगी। एल एच एस मैंने आपके निकाल दिया, आर एच एस आपका एक तरीके से होमवर्क है, उसे निकाल के आप इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे। चाहे तो टू के अंदर से डिवाइड, अंदर ले जाके डिवाइड कर सकते हैं, वरना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फिर से रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है। क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू, हमें मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 3 1 -1 एंड 2। एक हमें मैट्रिक्स उसने दिया और उसने हमसे बाद में क्या पूछा, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन शो दैट, देन शो, हमें शो क्या करना है, ए स्क्वायर -5a +7i इज इक्वल टू 0। एंड उसके बाद भी उसने हमसे कुछ पूछा, एंड देन फाइंड फाइंड ए इनवर्स। इसमें आप एक नया मेथड सीखोगे ए इनवर्स निकालने का, कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, वैसे सिंपल। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर निकालोगे, सबसे पहले ए हमारे पास है तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए और ए की मल्टीप्लाई करके 3 1 -1 एंड 2, सेम दोबारा लिखेंगे 3 1 -1 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ए स्क्वायर निकालेंगे 3 2 3 9 1 2 1 -1 आ गया आपका है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 3 3 +2 फिर यहाँ निकालते हैं -3 -2 एंड देन -1 +2 तो आपका ए स्क्वायर निकल के आएगा ए 5 -1 एंड 3, तो ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर निकल के। अब इसी तरीके से ए स्क्वायर आपने निकाल लिया, 5 भी निकाल लेते हैं, सारी वैल्यू निकाल लेते हैं फिर पुट कर दें। ए स्क्वायर आ गया -5, 5 के सिंपल इसमें मल्टीप्लाई करनी है, 5 निकल जाएगा। तो 5 निकालने का तरीका एक काम करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर हमारा क्या आया, 8 5 -5 एंड 3 -5a। 5 में कैसे निकलेगा, a आपके पास है, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो आपका कैसे निकलेगा देखते हैं। 5 की मल्टीप्लाई करते हैं 15 5 -5 एंड 10, ये आपका निकल के आ गया -5 +7i +7i कैसे, 7 0 0 7 सिंपल। इसे हमें 0 को इक्वल प्रूव करना है ये LHS साथ की, तो या तो पहले इन दोनों को प्लस कर लो या इसमें से पहले माइनस कर दो फिर प्लस कर लो। तो इन्हें पहले प्लस कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा 8 +7 15 5 +0 5 -5 +0 -5 एंड 3 +7 10, इसमें से हमें माइनस करना है 15 5 -5 एंड 10। अब जब माइनस करोगे तो 0 आएगा, 15 -15 0, 5 -5 0, -5 +5 0, 10 -10 0, तो ये आ गया आपके RHS के इक्वल। अब गाइस इसको उसने हमसे और को पूछा, हमें इनवर्स फाइंड करना है, देन फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स अब यहाँ तक का रोल सारा खत्म हो गया, जो हमें शो करना था वो हमने शो कर दिया, अब हमें ए इनवर्स निकालना है। तो इसको रफ करते हैं, हमने पहले LHS को RHS के इक्वल प्रूफ किया, अब हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स देखिए कैसे निकालेंगे, पूरी इक्वेशन में ये वाली जो है ए स्क्वायर -5a ए स्क्वायर -5a +7i इज इक्वल टू 0। अब जो दोनों साइड हम ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड देखो ऐसे लिख दे रहा हूं मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, या फिर ये भी लिख सकते हो प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो ए इनवर्स की जब मल्टीप्लाई करोगे ए
ले जाओ कैसे भी कर दो, माइनस 7i a, तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा a माइनस 5i a into a इनवर्स i के इक्वल कैसे आया, आइए यहां पे देखते हैं a into a इनवर्स, ये हो गया a की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होती है और 1 होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, तो इसलिए यहां पर i लिख देते हैं, अब यहां पर i आ गया और ये रह जाएगा माइनस 7 a। अब ये हमारे पास आ गया a माइनस 5i हमें निकालना, a हमारे पास इसने हमें दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो उसने हमें a दिया उसकी वैल्यू है यहाँ लिख लेते हैं 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 माइनस 5i आप जानते हैं कैसे निकले 5 0 0 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में माइनस 7 a इनवर्स। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, माइनस कर लेते हैं 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 -2 एंड 1 माइनस 0 1 -1 -0 -1 2 माइनस 5 -3 आपका आ गया और इज इक्वल टू -7 a इनवर्स। अब a इनवर्स कैसे निकालेंगे, इनवर्स यहीं रह जाएगा 7 नीचे चल जाएगा -1 कौन से और ये आपका हो जाएगा -2 1 -1 चाहो तो माइनस के अंदर कर देना, वन है यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट है। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, वो इक्वेशन दे देते हैं हमें जो हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है और फिर क्या करते हैं दोनों तरफ ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड इक्वेशन में और उससे जैसे कि ये किया ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 7 आई इंटू ए इनवर्स, फिर ऐसे हमें सॉल्व करके अपना ए इनवर्स निकाल लिया, तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इजी है, 15 देख लेते हैं क्योंकि 15 भी सेम सही है, तो काम करते हैं 14 करते हैं और 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन दिया था फॉर द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए हमें उसने दिया जिसकी वैल्यू है आपकी 3 2 1 1 3 2 1 1, हमें एक मैट्रिक्स हमने गिवन दिया ए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में कि उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट, हमें ए और बी बताना है क्या होगा, हमें एक तो ए फाइंड करना है और दूसरा बी फाइंड करना है कि क्या वैल्यू होगी ए और बी की, सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू बी, ये हमने दिया। देखते हैं कुछ और बस ए और बी की वैल्यू बतानी है इस ए की और इस बी की, तो आइए निकालते हैं ए स्क्वायर का निकाल लेते हैं, ए हमें गिवन है ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए ए की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में 3 2 1 1 आप इधर ले लेंगे और इक्वेशन बनाएंगे,
काम करते हैं, इनको प्लस कर देते हैं, 3a plus b 2a, और आपका a plus 0 a, a plus b इसे उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 11 माइनस 8 माइनस 4 एंड माइनस 3। अब सीधा कंपेयर करना है बस, 2a इज इक्वल टू माइनस 8, 2a इज इक्वल टू माइनस 8, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी क्योंकि सेम ऑर्डर की है, 2 बाय 2 की ये है, 2 बाय 2 की ही है, तो 2a माइनस 8, 2a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 4। अब इसमें किसी में b की वैल्यू रख लो, ये अब इसे कंपेयर कर लेते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 3, a की वैल्यू निकाल चुके हो, प्लस b इज इक्वल टू माइनस 3, b इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू माइनस 4 और b की वैल्यू 1 आपने निकाल दिया, तो ये क्वेश्चन भी आपने खत्म था। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 वो कैसे होगा, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो सेम है फिर भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक मैट्रिक्स गिवन है उसे जीरो, एक इक्वेशन गिवन है उसे जीरो के इक्वल प्रूव करना है, जिसमें हमें ए दिया है, इफ ए इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 एंड माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 हमें शो क्या करना है, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 आई इज इक्वल टू 0, सेम क्वेश्चन है, एंड देन फाइंड ए इनवर्स, एंड में ए इनवर्स बताना, तो इस क्वेश्चन को देखे और सोचे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, सिंपल इक्वेशन को जीरो पे इक्वल प्रूव करना, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, जो जो मांगा है वो निकाल देते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर के लिए ए की दो बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। ए स्क्वायर निकाल लिया, एक चीज हमने ए स्क्वायर निकाल चुके हैं, अब हमें निकालनी है एक चीज निकालनी है, ए क्यूब निकालते हैं, ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर में एक ए की और मल्टीप्लाई होगी, तो उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो ए क्यूब आएगा एक पावर 3 आएगी, 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22, तो ए स्क्वायर में निकल गया, ए क्यूब भी निकल गया, ए आपके पास है और आई आप जानते हैं क्या होता है, 3x3 मैट्रिक्स के लिए आई होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे रख देंगे, चारों चीजें आपकी निकल गई, और जब आप वैल्यू पुट करेंगे वो जीरो के इक्वल आएगा, और ए इनवर्स आप निकालना चाहते हैं कैसे करेंगे, दोनों साइड ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे और ए इनवर्स निकालेंगे, तो एक्सरसाइज 4.5 में इनको हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 4.6, जैसा कि मैंने बताया है 4.6 के शुरू के जो 1 से फर्स्ट से लेके 6 क्वेश्चन तक है वो कर चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन करेंगे उसके बाद मिसलेनियस खत्म करेंगे। और एक चीज़ और बतानी थी, जो हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्यूशन का है उसमें अब बच्चे आने शुरू हो गए हैं, तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करा लीजिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बिल्कुल फ्री है, और कल से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अपना जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं। तो आज के लेक्चर को यहीं करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ और कि कल से क्लास 12th के जो PCM ग्रुप है उसके लेक्चर बैच शुरू हो रहे हैं, और इकोनॉमिकली सेक्शन वीकर सेक्शन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्कुल फ्री है, तो रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कराएं, क्लास 12th का शुरू हो चुके हैं बैच, कल से शुरू हो जाएंगे, क्लास 10th क्लास 9th कोई सी भी क्लास हो उसके, और BA के भी आप करा सकते हैं, UG कोर्सेज के भी। तो बस ये कहना था, अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.6 और उसके बाद करेंगे मिसलेनियस खत्म, तो जब तक के लिए सेफ रहें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।